अ वेरी वॉम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माई डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग स्टे होम स्टे सेफ आज हम हमारी क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है रियल नंबर्स सो गाइज फर्स्टली वी हैव टू नो दैट वॉट आर रियल नंबर्स तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के रियल नंबर्स होते क्या हैं तो शॉर्ट टर्म में बोलूँ मैं तो रियल नंबर्स आर दो नंबर विच कैन बी रिप्रजेंट और नंबर लाइन वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रजेंट करते हैं वो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं जो नंबर होता है नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया पहला होता है आपका रियल नंबर और दूसरा होता है आपका इमेजनरी नंबर तो रियल नंबर्स मतलब वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं और जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट्स नहीं कर सकते वो हमारे क्या होते हैं इमेजनरी नंबर होते हैं जैसी कि डेफिनेशन दी गई है हमें स्क्रीन पे हम पढ़ते हैं In general terms, real numbers are those numbers which do not considered as an imaginary numbers. In the mathematics, real numbers plays an important role to solve various types of problems. In the real number, we consider general type of numbers like 1 to 9, 12.34, minus 16, 6 by 7, etc. According to real numbers definition, we can take any type of numbers which may be positive or negative. नेचुरल नंबर होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर इंटीजर्स एंड नंबर अ लार्ज और स्मॉल ऑल आर कंसीडर्ड एज रियल नंबर्स। इन द सम ऑफ रियल नंबर्स डेफिनेशन आई वांट टू से दैट द रियल नंबर इज अ नंबर विच रिप्रेजेंटेड एनी पर्टिकुलर और फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। सो गाइस जैसा डेफिनेशन में दिया गया क्लियर क्लियर हम रियल नंबर उसी नंबर को कंसीडर करते हैं जो एक जनरल नंबर होता है जैसे वन से लेकर नाइन के बीच में जितने भी नंबर आते हैं इंटीजर नंबर वो पॉइंट में भी हो सकता है रेशनल नंबर भी हो सकता है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकता है वो पॉजिटिव भी, भी हो सकता है तो इसको अगर हम समराइज़ करें गाइज तो ये देखिए आगा चार्ट कि नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं रियल नंबर और इमेज नंबर नंबर जैसा मैंने आपको बताया रियल नंबर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हैं हमारे जैसे वन बाय टू थ्री बाय फोर वन ट्वेंटी सेवन बाय नाइन फोर्टी टू एग्जाम्पल के लिए दिया गया है ठीक है और इरेशनल नंबर गाइस क्या होते हैं इ नंबर वो होते हैं जिनको हम कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती जैसे अंडर रूट टू और पाई ये सब क्या है इेशनल नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं जिनके वो इेशनल नंबर होते हैं और गाइज रियल नंबर में और कौन से नंबर आते हैं इंटीजर नंबर दिया हुआ है हमारे डायग्राम में इंटीजर नंबर में भी इंटीजर में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव तो हम कह सकते हैं वो सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइन पर लाइस करते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लाइस करेंगे तो वो निगेटिव इंटीजर होंगे और जीरो के राइट हैंड साइड पे लाइस करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे सो वी कैन से दैट ऑल द इंटीजर्स नंबर आर रियल नंबर तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे इंटीजर्स नंबर भी रियल नंबर होते हैं क्योंकि उनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अब गाइस सेकेंड है हमारा होल नंबर्स होल नंबर्स क्या होता है वी नो दैट वेन काउंट इन बिगिन फ्रॉम जीरो इन गोज टू इन्फेनाइट देन ऑल द नंबर इंक्लूडेड इन इट इज कॉल्ड होल नंबर जब काउंटिंग जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फाइनइट तक जाती है तो उसमें जितने भी नंबर इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर्स सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं जब काउंटिंग हमारी वन से स्टार्ट होगी वेन काउंटिंग बिगिन फ्रॉम फॉम वन एंड गोज टू इनफाइनाइट देन ऑल द नंबर इंक्लूडेड इन इट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर इट मीन्स दैट ऑल द रेशनल नंबर इंटीजस नंबर होल नंबर नेचुरल नंबर फ्रैक्शन आर द रियल नंबर मतलब वो सारे के सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उनके अंदर कौन कौन आएंगे इंटीजर होल नेचुरल ये सारे के सारे के आपके क्या है रियल नंबर हैं अब देख लीजिएगा ये चार्टे है हमें रियल नंबर्स का रियल नंबर्स में भी क्लासीफाइड है फर्स्ट दिए नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम वन टू इन्फेट जब हमारी काउंटिंग वन से लेकर इन्फिनिट तक जाएगी तो उसमें जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे नेचुरल नंबर भी क्या होंगे रियल नंबर होंगे वन टू थ्री टू इन्फिनाइट होल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनाइट इसमें भी वही दिया गाइस जीरो को भी इंक्लूड कर लेंगे जब हमारी काउंटिंग में तब हम उनको होल नंबर्स बोलेंगे तो जीरो से लेके इन्फिनेट तक के जितने भी नंबर होंगे वो सारे भी रियल नंबर होंगे ठीक है और होल नंबर्स भी आएंगे इंटीजर नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शंस एंड जीरो फ्रैक्शन को इंक्लूड करने के साथ साथ नंबर लाइन पे लाइज करने वाले जितने भी नंबर होंगे अगर वो जीरो के लेफ्ट में आएगा नंबर लाइन पे तो वो नेगेटिव इंटीजर होगा और जीरो के राइट right साइड आएगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इट मीन्स दैट ऑल द इंटीजर्स मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल आर रियल नंबर्स फिर नेक्स्ट है हमारा गाइड रेशनल्स नंबर रेशनल नंबर क्या होंगे इंटीजर फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या होता है रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होता है तब मैं आपको बता दूंगा तो सारे के सारे रेशनल नंबर भी हमारे क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं और रेशनल नंबर जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती वो भी हमारे क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं अब ये नेक्स्ट डेफिनेशन है गाइड जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि रियल नंबर को सॉल्व करने के लिए दो वैल्यूज का एस निकालने के लिए यूक्लिड ने अपना लेमा दिया तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या गाइस हमारा यूक्लिड के डिविजन लेमा का एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिवस अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम तो एल्गोरिथम क्या होता है एल्गोरिथम एक ऐसा स्टेप्स होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कमांड होता है जिसको फॉलो करके या जिसका प्रोसीजर अप्लाई करके हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं जैसे यूक्लिड का जो डिविजन लेमा है इसके थ्रू हम दो वैल्यूज़ का एस निकालते हैं तो उसके लिए जो हमारा प्रोसीजर यूज़ होगा उसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन या यूक्लिड एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द एस ऑफ टू नंबर्स द प्रोसेस इज यूज इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम एंड सेकेंड पॉइंट इज अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट लेमा एक ऑलरेडी वो प्रूफ करा हुआ स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम सब थ्योरम पढ़ी है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोड इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स हाइपोडीनियज का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर वो बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो ये क्या है लेमा आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो हमेशा हाइपोटिनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा तो ये लेमा होता है तो लेमा क्या होता है अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट ये ऑलरेडी एक प्रूफ करा हुआ स्टेटमेंट होता है फिर क्या इसका है हमारी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है हमें ये एक्सप्रेस करना है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेसड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अर एवरी कंपोजिट नंबर हर एक कंपोजिट नंबर जो होगा जिसमें मतलब हमारा प्राइम नंबर भी प्रेजेंट है और बाकी फैक्टर भी प्रेजेंट है उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो हमें हमेशा अपनी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में निकलेगा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया है 98 तो 98 का जब मैं एल सी एम लूंगा तो उसमें कई सारे नंबर आएंगे तो जितने भी उसके नंबर होंगे उन सब का प्रोडक्ट करने पर एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा 98 मिलेगा ठीक है तो ये जो नाइन्टी होगा इसके जितने भी आपको फैक्टर्स मिलेंगे डिवाइड करने पर वो सारे के सारे उसके क्या होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर्स के पेयर होंगे जिसकी वजह से वो नाइन्टी बन पाया है अब फिर का हमारा है रेशनल एंड इरेशनल रेशनल नंबर क्या होते हैं आ नंबर इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो वो सारे के सारे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख पाते हैं इट मीन्स डैट वो सारे के सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हैं वो हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं और इसकी एक कंडीशन है डिनोमिनेटर विल नॉट बी जीरो कोई भी चीज़ अगर रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता इट मीन्स डैट q नॉट इक्वल टू जीरो और उसका न्योमीटर और डिनोमीटर दोनों हमेशा क्या होंगे इंटीजर नंबर होंगे ठीक है तो वो क्या होगा हमारा रेशनल नंबर होगा नंबर क्या होता है? अ नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू अगर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो हमारा क्या होगा नंबर होगा। अब हमारा ये टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करना डेसिमल एक्सपेंशन करना मतलब इनको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉइंट वाले फॉर्म में चेंज करना लेट एक्स बी आ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हमने मान लिया एक्स कोई नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है टर्मिनेट कर रहा है मतलब पॉइंट के बाद वापस हम वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ हमने डिविज़न स्टार्ट करा फॉर एग्जाम्पल वन बाई सेवन लें सेवन का डिविज़न वन में करें तो जीरो पॉइंट वन फोर टू एट फाइव सेवन रिपीट होने के बाद हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हमने डिवीजन स्टार्ट करा था इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या हम ये बोलते हैं नंबर क्या कर रहा है टर्मिनेट कर रहा है ये एक्सपेंशन टर्मिनेट है देन वी कैन एक्सप्रेस एक्स इन द फॉर्म पी क्यू तो हम इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे एक्स को वी आर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ टू टू द पावर एन फाइव टू दावर एम वी आर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर किसी शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं तो किसी भी फ्रैक्शन नंबर में डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करने पर अगर उसमें टू और फाइव प्रेजेंट है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और वो आपका क्या होता है रेशनल नंबर होता है समझ गए डिनोमिनेटर में अगर टू और फाइव प्रेजेंट है और टू और फाइव की पावर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है तो वो रेशनल नंबर होगा सेकेंड पॉइंट इक्वल टू पी क्यू बी नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ टू टू द पावर एन फाइव टू द पावर एम वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर देन एक्स ए डेसिमल एक्सपेंसन विद टर्मिनेट्स ठीक है तो यहाँ पे गाइज क्या बोल रहा है वही बोल रहा है अगर टू और फाइव की पावर नॉन निगेटिव प्राइम इंटीजर्स हैं तो वो भी क्या होगा गाइज हमारा रेशनल नंबर होगा अब गाइज यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमें यूक्लिट का लेमा अप्लाई करके इन दो वैल्यूज का एस सी एफ निकालना है वन थर्टी फाइव एंड टू टू फाइव का तो वन थर्टी फाइव और टू टू फाइव का एस सी एफ निकालने के लिए गाइज हम क्या करेंगे यूक्ड का डिविजन लेमा लगाएंगे तो गाइस आप लोगों ने वो में पढ़ा होगा डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर याद है ना सबको तो उसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं यूक्लिड का एल्गोरिथम बोलते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर मीन्स दैट ए इक्वल टू बी इन क्यू प्लस आर जैसे हमें वन थर्टी फाइव और टू टू फाइव का एस सी फाइंड करना है तो इसमें बड़ा वाला नंबर कौन है गाइस टू टू फाइव छोटा वाला कौन है वन थर्टी फाइव तो टू टू फाइव से हम वन थर्टी फाइव को डिवाइड करेंगे और जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर हमें क्या नहीं मिल जाए जीरो नहीं मिल जाए तो गाइस बड़ा वाला नंबर कौन सा हमारा टू टू फाइव छोटा नंबर कौन है 135. 135, वन थर्टी फाइव हमने डिवाइड करा वन थर्टी फाइव वन या वन थर्टी फाइव तो 135 को नीचे लिखा 225 के सबट्रैक्ट करा 225 को 135 में से रिजल्ट क्या आया 90 सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो रिमाइंडर हमें जीरो मिला क्या गाइस नहीं मिला है रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिला है अब हम क्या करेंगे जो हमारा डिविजर था डिविजर कौन था 135 उससे किसको डिवाइड करेंगे गाइस हम 90 को समझ गए हर बार हमें रिमाइंडर से डिवीजर को डिवाइड करते रहना है टिल दैट कब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिल जाए जैसे ही हमें हमारा रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो जिस डिवीजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आया है वही आपका उन दो वैल्यूज़ का एस होगा और जितनी भी स्टेप हम यूज़ करेंगे इन सारी स्टेप को हम आखिरी में स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री डाल के लिखेंगे तो वो हमारा पूरा स्टेप बाई प्रोसेस हो जाएगा समझ गए गाइस 135 और 225 का एस निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या प्रोसेस करा कि जो बड़ा वाला नंबर है हमारा 225 उसको हमने छोटे वाले 135 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर में हमें कितना मिला था गाइस 90 अब 90 हमें रिमाइंडर में मिला था और डिविज़र कौन था गाइज़ उसमें वन था अब हमने क्या करा मैंने आपसे बोला रिमाइंडर से डिविजर को डिवाइड करते जाना है और टिल देट कब तक डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर भी जीरो ना आ जाए तो गाइस फर्स्ट वाली स्टेप में जब हमने टू टू फाइव को वन थर्टी फाइव से डिवाइड करा था तो वन थर्टी फाइव से वन टाइम में टू टू फाइव गया था और रिमाइंडर में कितना लेके गया था नाइन्टी और डिविज़र कौन था वन थर्टी फाइव तो गाइस रिमाइंडर नाइन्टी था डिवीज़र वन थर्टी फाइव था तो अब नाइन्टी से हम किसको डिवाइड करेंगे वन थर्टी फाइव को तो नाइन्टी से वन थर्टी फाइव को डिवाइड करेंगे तो नाइन्टी वन नाइन्टी और नाइन्टी वन जन नाइन्टी है तो वन थर्टी फाइव के नीचे नाइन्टी लिखा और वन थर्टी फाइव में से हम नाइन्टी को सब्डिकट करेंगे तो अब हमें कितना मिलेगा गाइज फोर्टी फाइव अगेन सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो अभी भी हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिला है और मैंने क्या कहा गाइज जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा तब तक हम इस चीज़ को फॉलो करते रहेंगे एल्गोरिथम को फॉलो करते रहेंगे तो अब गाइज हमारा रिमाइंडर कितना है फोर्टी फाइव और इस बार हमारा डिविजर कौन था गाइज नाइन्टी तो अब फिर हम रिमाइंडर से हमारे डिवीज़र को डिवाइड करेंगे कब तक जब तक रिमाइंडर में जीरो नहीं आया अब फोर्टी फाइव से हम जैसे ही नाइन्टी को डिवाइड करेंगे तो फोर्टी फाइव टू सा नाइन्टी अब नाइन्टी में से नाइन्टी सपटेट होगा गाइस तो कितना मिलेगा हमें जीरो सिंस रिमाइंडर इज नाउ जीरो और जैसे ही आपको रिमाइंडर जीरो मिल गया तो वो डिवीज़र डिवीज़र जिसकी वजह से आपको रिमाइंडर जीरो मिला है वो डिवीज़र ही आपका उन दोनों नंबर का एस होगा सो एस ऑफ एफ वन थर्टी फाइव एंड टू टू फाइव इज़ कितना था गाइस फोर्टी फाइव जिसकी वजह से आया था अब वो जितनी भी प्रोसेस हमने लगाई थी उन सबको हम स्टेप बाय स्टेप दिख लेंगे जैसा कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वन थर्टी फाइव और टू टू फाइव हमने दो नंबर लिए थे टू टू फाइव वन थर्टी फाइव से ग्रेटर देन था तो मैंने आपको बताया था हमेशा हमें छोटे वाले नंबर से स्मॉलर नंबर से लार्जर वाले को डिवाइड कर देना है वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 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 फाइव एंड वन थर्टी फाइव हमने टू टू फाइव वन थर्टी फाइव में हमारे डिविजन लेमा अप्लाई करा था एक्वल टू बी इन टू क्यू प्लस आर ए मतलब डिविडेंड डिविडेंड कौन था डिवाइड कौन हुआ था फर्स्ट स्टेप में टू टू फाइव डिवीजन डिवाइड किसने करा था वन थर्टी फाइव ने क्वेश्चन डिवाइड हुआ कितने टाइम में था इंटू वन टाइम में प्लस रिमाइंडर रिमाइंडर कितना बचा था नाइनटी तो यहाँ पे गाइस कौन सा फॉर्मूला लगा है डिविडेंट इक्वल टू डिविजर इंटू कोस्टेंट प्लस रिमाइंडर मतलब डिविडेंड हमारा टू टू फाइव है डिविजर हमारा वन थर्टी फाइव है कोस्टेंट हमें वन मिला था और रिमाइंडर कितना मिला था नाइन्टी अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा था गाइज मैंने बताया था रिमाइंडर से डिविजर को डिवाइड करना है और कब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर में जीरो ना आए तो सेकेंड स्टेप में हम आ गए तो हमें डिविजर कितना मिला था वन थर्टी फाइव और रिमाइंडर कितना था नाइन्टी सिंस रिमाइंडर नाइन्टी नॉट इक्वल टू जीरो रिमाइंडर हमारा नाइन्टी आया था जीरो नहीं आया था वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा टू वन थर्टी फाइव एंड नाइन्टी तो हम वन थर्टी फाइव डिविजर पे और नाइन्टी हमारा रिमाइंडर दोनों पे फिर से हमने क्या अप्लाई करा डिविजन लेमा इस बार डिविडेंड कौन है वन थर्टी फाइव डिवीजर डिवाइड करने वाला कौन है नाइन्टी फिर लगाया फॉर्मूला ए इक्वल टू बी इन टू क्यू प्लस आर डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इन टू क्वेश्चन पर रिमाइंडर डिविडेंड हमारा वन थर्टी फाइव है डिवीजन नाइन्टी है क्वेश्चन कितना आया था डिवाइड करा था नाइनटी वन या नाइनटी प्लस फोर्टी फाइव और लास्ट